देव आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा मूड ठीक हो गया है। हरी भाषा में बोलते हैं साले, तो हम भी तो ये दुल्हन का स्वागत कर रहे हैं। बर्तन बुआरा और अंकल जी लिख रहे हैं बर्तन बुआरा। तो पहुंच चुके हैं तरस के पुल पर और यहाँ से जा रहे हैं हम आगे का उस तरफ से, क्योंकि नीचे की तरफ से हमारे पास हेलमेट नहीं थे तो ऊपर से आ गए हम। तो हमारे साथ हैं राइडर भाई केशव और इसी के साथ हम जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ का मनमोहक नज़ारा, तो ये देखिए धौलाधार पहाड़ियों की व्यू और ये है ऊपर धौलाधार पहाड़ियों की शानदार वादियाँ और ऊपर है कनारतू गाँव और देखिए नज़ारा और ये सामने बिनवा नदी है। तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का और राइडर जी ने बाइक स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। तो पीछे देख रहे हैं पंकज जी आ रहे हैं पीछे। चुके हैं दूल्हे के घर में और गाड़ी हमारी आती हुई, तो हाथ हिला रहे हैं और लगातार गाड़ियां पहुंचती हुई। दूल्हे वाले घर में और पहले तो काफ़ी इमोशनल थे, आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा मूड ठीक हो गया है हमारी दुल्हन का। तो बने रहे लोग के साथ और दूल्हे के घर में और ये है दूल्हे के सारा लोग, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं साले, तो हम भी साले में शामिल हैं और पहले तो मजा ले रहे हैं यहाँ पर सारे दूल्हे की सालियाँ साहिबा। तो हेलो करो सारे गाइस, तो काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं अपनी सिस्टर के साथ में। किसी को पसीने आ रहे हैं तो किसी के स्माइल आ रही है। तो बारात पहुंच चुकी है दूल्हे वालों के घर वापस, तो अभी जा रहे हैं दूल्हे वालों के घर और सभी ले रहे हैं मज़ा। तो यहाँ पर गेट पूजन किया जा रहा है पंडित द्वारा और पूजा हो रही है गेट पर। अरे प्रोफेसर गापति जो कि वीडियो शूट कर रहे हैं इस विवाह में, तो डिटेल आपको बाद में बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर दूल्हे की भाभी जी ने दुल्हन को संभाल लिया है और यहीं से वहीं दुल्हन को लेके आगे जाएंगी और अभी थोड़ा फोटो शूट करवा रहे हैं कुछ दूल्हे के रिलेटिव, तो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम दूल्हे वाले के घर अंदर पहुंच चुके हैं और यहां से थोड़ा दूल्हे की माता जी थोड़ा वेलकम करेंगी और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो ये है दूल्हे वालों का घर और सभी मस्ती कर रहे हैं यहां पर और मज़ा ले रहे हैं शादी का। तो देखो सारी पब्लिक यहाँ इंजॉय कर रही है, वो वेलकम कर रही है दूल्हे और दुल्हन वालों का। तो अभी दूल्हे की माता जी आरती उतार कर दूल्हे और दुल्हन का स्वागत कर रहे हैं और यहाँ स्वागत हो चुका है और पंडित जी पूरी विधि विधान से स्वागत करवा रहे हैं। ये हमारे पहाड़ों में रीति रिवाज है।
तो सभी एक डोर में अभी अंदर जा रहे हैं। ये पहाड़ी भाषा में लद्दड़ बोलते हैं, दुल्हन वालों की तरफ से जब आते हैं तो इनको लद्दड़ बोलते हैं हम हमारी पहाड़ी भाषा में। और मुझे भी बुला रहे हैं, पर मैं अभी यहाँ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मैं बाद में जाऊँगा। तो इन सभी को लद्दड़ बोलते हैं जो दुल्हन वालों की तरफ से आते हैं, तो बता रहा हूँ मैं आपको। प्रस्थान अब हो चुका है दूल्हे के अंदर घर में। लाइट नहीं है, क्लियर नहीं होता कुछ भी। सारे लाइट आ जाता है, सारे भूख ये गर्मी का बुरा हाल है। ये लॉलीपॉप खाते हुए बच्चा। तो अभी जो आपको दिखा रहे हैं ये है बर्तन बुआड़ा, जो कि एक रिवाज है हमारी भाषा में, जिसको कि शगुन बोलते हैं। जब भी हमारे उधर शादी होती है तो शगुन दिया जाता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार बंदे देते हैं। तो यह भी अंकल जी ले रहे हैं शगुन 500-200 का। की खासियत ये है कि ये वापस भी करना पड़ता है जब दूसरों की शादी होगी, तो जितना लगा है उतना वापस करना पड़ता है।
अपना वक्त समाप्त हो चुकी है और खाना खाने आ चुके हैं, पर यहाँ भी बंदे हमारे रुक नहीं रहे हैं। बंदों का रिएक्शन ऐसा है कि भी तार